हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अतिक्रमियों के खिलाफ जोधपुर निगम हुआ सख्त। व्यवसायिक इमारत सीज की, दुकानों के आगे बरामदों में रखा सामान हटवाया। जोधपुर शहर में हो रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण कार्यों के प्रति नगर निगम एक बार फिर सख्त हो गया है। निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने लॉकडाउन में बनी अवैध इमारतों को सीज करने और अतिक्रमण को हटाने का अभियान फिर से शुरू कर दिया है। निगम दस्ते ने सरदारपुरा प्रथम सी रोड पर G+1 आवासीय की इजाजत लेकर अवैध रूप से बनाए व्यवसायिक इमारत को सीज किया। अतिक्रमण निरोधक दस्ते के प्रभारी राजेश तेजी और सह प्रभारी सुरेश हंस की टीम ने सरदारपुरा प्रथम सी रोड पर भूखंड संख्या 394A का निरीक्षण किया। भूखंड मालिक शिव प्रकाश, शिव रेडीमेड, राजू बुट्टी, राजू भदानिया गाड़ी रिपेयरिंग ने निगम से G+1 की आवासीय इजाजत लेकर बिना निगम स्वीकृति के व्यवसायिक निर्माण करवा दिया था। मौके पर व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर निगम के भूखंड मालिक को अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 में नोटिस जारी कर निर्माण संबंधित दस्तावेज व सक्षम स्वीकृति के कागजात पेश करने को कहा, लेकिन भूखंड मालिक ने किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज या जवाब पेश नहीं किया। इस पर उपायुक्त आयुब खान के आदेश पर दस्ते ने इमारत सीज कर दी। वहीं निगम दस्ते ने नई सड़क और घंटाघर क्षेत्र में दुकानों के आगे बरामदे रखा सामान भी हटवाया और दुकानदारों को वापस सामान नहीं रखने के लिए पाबंद किया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।